कुछ जनरेट नहीं कर पा रहे, ना इंप्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे। अभी जैसे डॉक्टर माया ने कहा, डॉक्टर माया ने जैसे कहा कि खाली पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, हमारा जो जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो भी पूरी तरह से ऐसा लगता है कि इस नैरेटिव में शामिल हो गया, और अब जब उनको मालूम भी चल रहा है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास चुप भी लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और एक तरह से एक नैरेटिव बाजार में छोड़ दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी को कहा जा रहा है ग्लोबल लीडर, अब उनको ग्लोबल लीडर बनाया जा रहा है, वो ग्लोबल लीडर हैं, उन बाकी चीजों पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन सवाल है कि इतना बड़ा क्राइसिस हुआ और इस क्राइसिस को आप जान नहीं पाए, कैसे नहीं जान पाए, हम लोग चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं और आपको जानकारी नहीं मिल रही है, इस प्रकार के झूठ को किस जैसे जैसे फैलाया जा रहा है, तो मीडिया को कंट्रोल करना, पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल करना और फिर इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर लेना, तो अब आपको कोई रास्ता आप दिखाई पड़ रहा है, कैसे लोगों तक ये बात पहुंचे, कैसे लोग ये बात जान सके। हम लोग तो किसी के दुश्मन है नहीं, हम तो वो बात सामने रख रहे हैं जो हम पिछले 3 साल से चिल्ला रहे थे, आज इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से एक्सपोज हो गया कि जिन कंपनियों, जिन फार्मा कंपनियों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, आज उन सारे कंपनियों ने सभी ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया, जो पावर में थी उसको ज्यादा पैसा मिला, और सब लोग इसलिए मुंह चुप करके बैठे हैं। डॉक्टर बैनर्जी, नहीं पॉलिटिकल पार्टी को तो मिलता है, हमने बताया ना, जैसे हमारे जितने प्रोफेशनल्स है उनको रिसर्च ग्रांट मिलता है, और 90% रिसर्च ग्रांट जो बिग ग्रांट है वो गेट्स फाउंडेशन से ही आता है, किसी ना किसी इसमें आता है, गेट्स फाउंडेशन से आता है, उनको अगर वो नहीं करे, अगर हम जैसे बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा अभी कैरियर हो गया है मेरा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो जिसका जो कैरियर में है उसको क्या करेंगे, अभी आप देखेंगे बड़े बड़े लोगों को निकाल दिया है, मार्टिन कुलडॉफ को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है क्योंकि वो बोल रहे थे, काफी लोगों को डी प्लेटफॉर्म कर दिया गया है, और जो हमारे स्ट्रगलिंग जो कि कैरियर में है वो रिसर्चर बोल नहीं सकता क्योंकि उसको ग्रांट नहीं मिलेगा, उसका पॉलिटिकल उसका कैरियर खत्म हो जाएगा, पॉलिटिकल नहीं उसका एकेडमिक कैरियर खत्म हो जाएगा, पॉलिटिशियन का पॉलिटिकल कैरियर तो 5 साल के लिए है, और इसको लॉन्ग टर्म इसको अपना कैरियर जितना रिसर्च करेगा उसका उतना प्रमोशन मिलेगा, उसको उतना सैलरी मिलेगा, और अगर वो रिसर्च ग्रांट 90% कंट्रोल बाय गेट्स फाउंडेशन है, तो ये कई सालों से 10-20 साल से आके अभी असर पड़ रहा है, ये 1-2 साल या 10 साल 5 साल का नहीं है, ये 20-30 साल से चल रहा है, और WHO को भी इन्होंने सबोटाज किया हुआ है, WHO का ऑटोनोमी ले लिया पहले, पहले काफी इन दोनों में क्लैश भी होता था गेट्स फाउंडेशन WHO ने, अभी उन्होंने गेट्स फाउंडेशन ने एक अलग अपना मैट्रिक्स बना दिया जो डेटा भी कंट्रोल करता है, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के जरिए इन्होंने एक इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन बनाया है, जिसका डेटा के हिसाब से उन लोग पॉलिसी बना रहे हैं फॉर डेवलपिंग कंट्री, जहां पे वो डेटा खुद नहीं कलेक्ट करते हैं, वो मैथमेटिकल मॉडल से प्रोजेक्ट करते हैं एशिया का अफ्रीका, और कहेंगे कि आपको ये पॉलिसी करना, ये पॉलिसी करना, पहले जो काम कंट्रीज करते थे, जो काम कंट्रीज मिलकर WHO करते थे, एक ऑथेंटिक डेटा होता था, अभी वो उन्होंने उसको भी हाईजैक कर लिया है गेट्स फाउंडेशन ने थ्रू वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स, वो काफी पैसा उसमें लगाया है, तो वो अपना जो नैरेटिव है अपने मर्जी से चलाएंगे, अभी देखा होगा अपने आज ही के पेपर में है उन लैंसेट में आर्टिकल, लैंसेट को भी पूरा कंट्रोल करते हैं इन लोग, क्योंकि लैंसेट के एडिटर को भी लाइफ टाइम अवार्ड दिया था गेट्स फाउंडेशन ने, तो वो जो मर्जी लैंसेट छाप देता है उनका नैरेटिव, लैंसेट में 2 दिन पहले एडिटोरियल आया था कि इंडिया का डेटा गलत है, उसके ऊपर आज इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आज इंडिया IMA ने प्रोटेस्ट लिखा है कि वो क्यों बताना चाहता है कि आपका डेटा गलत है, सो दैट क्या होगा कि आप आउटसोर्स कर दो, वो अपना डेटा आपके ऊपर थोपेंगे आपका डेटा को, जबकि अभी जैसे अभी शर्म की बात है डॉक्टर साहब, अभी जैसे WHO ट्रीटी ये लोग ला रहे हैं, और इस ट्रीटी के बहाने अभी हमारे देश की जनता किसी और चीज में उलझी हुई है, 2 शाम के भोजन में उलझी हुई है, और कई कई सारे ऐसे इश्यूज को सामने रख दिया जा रहा है, जहां ये जो रियल इश्यूज हैं इसके तरफ हम लोग लगातार लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं वही प्लेटफॉर्म उनके कब्जे में है, ऐसी स्थिति में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं हमारे पास,
तो आपको लगता है कि WHO ट्रीटी भी साइन कर लेंगे ये लोग? WHO ट्रीटी डिफॉल्ट से शायद चले जाएंगे, ये खुद अपनी तरफ से तो कुछ इनिशिएटिव करेंगे नहीं। अभी अगर जैसे कुछ न्यूज आ रहा है कि कुछ कुछ कंट्री में मूवमेंट्स हो रहे हैं, जापान में पीपल्स मूवमेंट, अगर मैसिव मूवमेंट हुआ है सर, जापान में मैसिव मूवमेंट हुआ है WHO ट्रीटी के खिलाफ, अगर ये ग्लोबल मूवमेंट होगा तो ही हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमारा कंट्री ने अपना, इतना बड़ा कंट्री है, इतना पॉपुलेशन है, जो मैं डेटा की बात कर रहा था, हमारे यहाँ डेटा साइंटिस्ट वर्ल्ड में पूरे, हमारे डेटा साइंटिस्ट गूगल के लिए काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहे हैं, पर हमारे पास इतना अगर रिसोर्स है तो हम अपना डेटा IHME जो बिल गेट्स का जो फाउंडेशन डेटा बनाता है उसके ऊपर क्यों हम उसको ऑथेंटिक लेंगे? हम अपना डेटा, हमारे में कब कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा डेटा ऑथेंटिक है और बना सकते हैं? और जैसे कि हमारे जितने भी पैंडेमिक के मेजर्स, हमने दूसरे कंट्री ने एक डिस्ट्रिक्ट को लॉकडाउन किया तो हमारे देश ने पूरे कंट्री को लॉकडाउन कर दिया, इतना बड़ा पॉपुलेशन किसी वर्ल्ड में नहीं था और बहुत बहादुरी मान लिया उसको। गेट्स ने भी शाबाशी दिया कि इंडिया ने बहुत अच्छा लॉकडाउन किया, WHO ने 10 out of 10 नंबर दिए थे इंडिया को। पर अब देखिएगा तो हमारे देश का, मेरे को लगता है आत्मविश्वास, नेशनल आत्मविश्वास नहीं है कि हम अपना डिसीजन खुद ले, जबकि हमारे खुद के लोग दूसरे कंट्री में जाके काम करते हैं और तब हम तालियां बजाते हैं कि इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हमारे देश में ऊपर हमारा हेडक्वार्टर होना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ के लिए या जो भी पॉलिसी डिसीजन के लिए, हम दूसरे छोटे छोटे कंट्रीज को फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए चलिए, अभी अगर इस मोड़ पे हम आ गए हैं तो हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि बाकी कंट्रीज में मूवमेंट्स जैसे होंगे पैंडेमिक ट्रीटी के इसके अगेंस्ट, तो हमारे कंट्री में भी धीरे धीरे शायद आ जाए, और ये उम्मीद ही हमारे पास है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।